महज 10 साल का था राहुल कोहली, नन्हा सा एक ऐसा सितारा जो फिल्म के रुपहले पर्दे पर जितनी तेजी से धूमकेतु की तरह चमका उतनी ही तेजी से कहीं खो भी गया। तमाम अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में सराही जा चुकी राहुल कोहली की फिल्म छेलो शो यानी द लास्ट शो को दुनिया भर के बड़े मंचों पर लोगों ने उत्सुकता से देखा और राहुल कोहली के शानदार अभिनय पर खूब तालियां भी बजाई। इस फिल्म के हिस्से में कई प्रतिष्ठित अवार्ड भी आए। गुजरात के जामनगर में एक गरीब परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय सिने फलक पर चमके इस सितारे की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन इस तारीफ के लिए अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करने और पहली ही फिल्म से मिले स्टारडम का आनंद उठाने के लिए राहुल कोहली अब इस दुनिया में नहीं है। 2 अक्टूबर 2022 को अहमदाबाद के एक अस्पताल में कैंसर से उसका निधन हो गया। ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले राहुल कोहली के पिता ने बताया कि उसको बार बार बुखार आ रहा था और खून की उल्टियां हुई और उसके बाद फिर मेरा बच्चा नहीं रहा। हमारा परिवार टूट गया, लेकिन हम उसका विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी फिल्म जरूर देखेंगे जो कि 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। गुजरात में आई बाढ़ के बाद राहुल कोहली के परिवार की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी। परिवार चलाने के लिए राहुल कोहली के पिता को ऑटो रिक्शा तक गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद किसी तरह उनकी मुलाकात डायरेक्टर पान नलिन और बाकी फिल्म मेकर्स से हुई और राहुल कोहली को उनकी फिल्म में अच्छा रोल मिल गया। जब फिल्म के मेकर्स को पता चला कि राहुल कोहली को कैंसर है तो उन्होंने आर्थिक तौर पर काफी मदद भी की, लेकिन राहुल कोहली को बचाया नहीं जा सका। फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही राहुल कोहली के निधन से हर कोई गमगीन है। राहुल को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म निर्माताओं ने उनकी याद में ट्रस्ट फंड स्थापित करने का फैसला किया है। इस फंड के जरिए उनके परिवार को हर महीने कुछ पैसा मिलेगा और यह ब्लड कैंसर एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज में अन्य बच्चों की मदद करने के लिए काम करेगा। 2023 के ऑस्कर नॉमिनेशन की रेस में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर यूएस बेस्ड फिल्मकार पान नलिन की गुजराती फिल्म छेलो शो ने बाजी मारी थी। ये फिल्म समय नाम के एक बच्चे पर आधारित है जिसे सिनेमा से प्यार हो जाता है। राहुल कोहली ने इस फिल्म में लीड चाइल्ड एक्टर के दोस्त की भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी सिनेमाघरों की तकनीक में आए बदलाव की वजह से तमाम लोगों की रोजी रोटी छिन जाने से लेकर एक फैन के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और निगेटिव रोल वाली फिल्मों से प्यार तक तमाम पहलुओं को छूती है। 110 मिनट की इस फिल्म को निर्देशक पान नलिन की असल जिंदगी से इंस्पायर बताया जा रहा है। एंटरटेनमेंट डेस्क, कोहली टाइम्स। अब तो फिल्म वार्ता न भविष्य न बद्धा मालिको वार्ताकारो।